गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ पानी पूरी। तो सबसे पहले अभी मैं नींबू तोड़ने जा रही हूँ। ये देखिए, नींबू हमारे घर की बहुत ही बड़ा और ये पक भी चुका है। इसके मैं पानी पूरी का जो पानी होता है ना, वो बनाएंगी इससे। और वैसे भी ये नींबू का पानी बनते हैं तो बहुत ही अच्छा खुशबू बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले लिया, 1 कप सूजी और 1 कप मैदा मैंने ले लिया है पूरी बनाने के लिए। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा सॉल्ट देके मिक्स करना है, उसके बाद मैं उसको अच्छे से भूनना है। यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया है, सूजी और मैदा दे दिया है। और अभी इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, तो 20 मिनट के लिए रख देंगी। तो 20 मिनट के बाद अभी मैं उसको गोल करके इसका पूरी बनाना है। तो मैंने यहाँ पे बोतल का मुंह ले लिया है इससे गोल करने के लिए। देखिए, इस तरीके से मैंने गोल कर लिया है सारे के सारे बोतल के मुंह से। तो अभी पूरी को तेल में दे देते हूँ, ये फूलेगी क्या नहीं। मैंने तेल भी कम दे दिया है कढ़ाई में, देखिए। और पूरी को भी मैंने छोटा छोटा करके बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। बेकिंग सोडा यूज़ करते तो ये और भी फूलती है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा नहीं फुलाना है। मैंने पहली बार ये पानी पूरी बना रही हूँ, पहले भी कभी नहीं बनाया। ये देखिए, मेरा पूरी इस तरह से मैंने कर लिया है सारे के सारे। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिर्ची को फ्राई कर रही है तेल में। और ये मटर है, मैंने पहले से पीस के रखा है, अभी इसको बॉईल करना है। ये मिर्ची को मैंने फ्राई कर लिया है, अभी इसको उतार लेना है। ये देखिए, मैंने गैस में अभी मटर को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। ये नींबू है, इसका पानी मुझे बनाना है अभी। और ये देखिए, जो मैंने तोड़ा है इसको कट कर लिया है, इसका बहुत ही रस निकल रही है। देखिए, अभी इससे मैं पानी पूरी का जो पानी होता है वो बनाएंगी। तो ये मिर्ची को मैंने इस तरह से कूट लिया है, अभी इसको मैंने पानी में मिक्स कर लेना है। इमली भी है घर में, लेकिन मैंने इमली का पानी नहीं बनाया। आज मैं नींबू का पानी से पानी पूरी खाएंगी। यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी ऐड कर लिया है, अभी थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें मिलाना है हमारे घर की। तो अभी विंटर सेशन में हम लोग धनिया लगाते हैं घर में। तो यहाँ पे हमने जो धनिया पत्ता लगाया था वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, ये देखिए। फिर भी मैंने इसको तोड़ के लेके जाऊंगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तोड़ना है क्योंकि ये अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, देखिए छोटा छोटा है। तो पानी में अच्छे से धोने के बाद अभी हम दे देंगे पानी में धनिया की पत्ता को। हमने इस तरह से हाथ से ही तोड़ के दे दिया है, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, कलर भी कितना अच्छा हो रहा है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारे मटर को, ये हो गया कि नहीं। ये अभी थोड़ा सा बॉईल हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर भी मैं अभी उसको उतार लेना है। ये प्याज और धनिया पत्ता सब वगैरह मैंने यहाँ पे चटनी में मिक्स करने के लिए दे दिया है। आज मैं बनाऊँगी आलू का चटनी नहीं बनाएंगे, मटर का चटनी बनाना है। तो मटर को मैंने इस तरह से कूट के यहाँ पे अभी मिक्स करना है प्याज वगैरह डाल के। ये मेरा चटनी बनके तैयार है अभी। तो यहाँ पे सारे के सारे मेरे बनके तैयार है, चटनी पूरी और पानी, ये तीनों मिलके हो गया है पानी पूरी। तो ये देखिए, ये जो पानी पूरी है मैंने आज पहली बार बनाया है, देखिए इस तरीके से फूला है ये। और ये ये देखिए, ये स्टार की तरह लग रही है, ये जो कटिंग करने की जो बचा है इसका ऐसे बन गया है। तो सबसे पहले मैं इसको खाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी खा के अभी। ये देखिए, पानी भी कितना अच्छा खुशबू आ रही है, कलर भी अच्छा हो रही है। तो अभी मैं इसको खाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो स्टार वाला वो खाएंगी। तो यहाँ पे अभी मैं चटनी चटनी को यहाँ पे दे देंगी, उसके बाद पानी दे के मैं खा के टेस्ट करके देखूँगी कैसा बना है मेरे पानी पूरी। आज मैंने पहली बार बनाया है, घर में सूजी और मैदा रखा हुआ है, तो सोचा मैंने पानी पूरी बना के खाऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो देखिए, अभी मैंने इस तरीके से बना लिया है। मेरी पूरी छोटा छोटा हो गया है, देखिए। तो अभी मैं खा रही हूँ ये स्टार वाला। वाह, सच में बहुत ही अच्छा लग रही है। नींबू का पानी बनाया था, बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही स्वादिष्ट पूरी भी हो गई है। तो आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है गाइस। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को शेयर भी कर देना।
तो मैंने खा लिया है पानी पूरी। अभी मेरी भतीजी है, उन लोगों को खिलाना है। ये लोग खाने के लिए वेट कर रही है कब से। देखो उन लोगों को मैंने अलग से बना के दिया है, मतलब पानी और ये मटर का चटनी। इसमें मैंने मिर्ची डाला नहीं है, कम डाला है। तो ये देखिए अभी वो लोग खा रहे हैं मेरी पानी पूरी। कब से खाने के लिए वेट कर रही है, देखिए उनका तो बहुत ही पसंद आया है। देखिए खा रही है। उन लोगों को पसंद आया है मेरी आपका पानी पूरी। देखिए कब से पानी पूरी खाने के लिए बैठ रही है दोनों। तो गाइस आज का मेरा ब्लॉग कैसे लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस थैंक्स फॉर द वॉचिंग।